हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का ब्लॉग इवनिंग से शुरू किया, तो खाना वाना हो गया कंप्लीट, निश्चो भी हो गया। तो मैं आज थोड़ा बाहर आ गई। देखो आज का बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि पूरा दिन में बारिश हो रही थी। तो बारिश होने के बाद ना ऐसा लग रहा है ये आसमान और ये हमारा गाँव का नज़ारा पूरा साफ साफ हो गया। इतने दिन में जो धूल मिट्टी सब कुछ था ना, तो आज वो बारिश के पानी से ना पूरा साफ हो गया। तो इतना क्लीन लग रहा है ना, क्या बताओ, पूरा फ्रेश लग रहा है। चलो एक दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो गाइस देखो हमारा गांव का नज़ारा, आसमान का कलर भी कितना खूबसूरत है, पूरा क्लीन दिख रहा है कि नहीं बोलिए। तो सब कुछ एकदम क्लीन जैसा है। बारिश होने के कारण सब धूल, जब पेड़ में जब जो धूल लग रही थी ना, पूरा साफ हो गया। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इतना ठंडी ठंडी हवा दे रही है, और सूरज भी देखो डूबने वाला है उस पेड़ के पीछे सूरज, तो इसलिए नहीं दिख रहा इस पेड़ के लिए, इसके लिए नहीं दिख रहा। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत बहुत ज़्यादा। जिधर भी देखो उधर भी पूरा क्लीन, देखो रास्ता इतना क्लीन है। वैसे भी गांव का रास्ता या कुछ भी, इतना धूल था ना, इतने दिन में इतना धूप निकल रहा था, गर्मी में पूरा धूल जमा हो गया था। लेकिन देखो आज का ये दो दिन के बारिश में ना पूरा सब कुछ क्लीन हो गया। देखो पूरा सब कुछ क्लीन हो गया, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। चलो अब जाएंगे मायके में थोड़ा घूमने के लिए। तो मेरा मायके ना मेरे ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत सामने ही है। सो गाइस, आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि पहले जैसा ब्लॉग वीडियो बनाओ, पहले जैसा वीडियो बनाओ। आप लोगों को क्या बता, आप लोग को मालूम है कि ऐसे चैनल कैसी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रॉब्लम हो मेरे साथ भी, इसलिए मैं पहले से ही थोड़ा संभल के रह रही हूँ। क्योंकि बोलिए तो मेरा ना यूट्यूब चैनल्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। तो मैं सोच रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों के चैनल देखा तो अचानक से गायब हो जाती है। तो मैं भी मेरे लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग के साथ ही कभी कभी ऐसे कर दिया करूँगा क्रंच। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग पता नहीं क्या बोलो, आप लोग तो मेरे क्रंच वीडियो में पहले उस चैनल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन आप लोग प्लीज़ गाइस मेरे ब्लॉग वीडियो में थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोगों के जैसे छोटे छोटे क्रिएटर का क्या होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा आशा लेकर इस यूट्यूब पर आए हैं, तो आप लोगों की भरोसे, आप लोग व्यूअर्स अगर हमारे वीडियो नहीं देखेंगे तो हम कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है कि नहीं बोलिए। तो इसीलिए गाइस आप लोगों के साथ मेरा बहुत की रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग थोड़ा सा प्लीज़ देख के दीजिए, और मेरे ब्लॉग आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए बहुत बहुत, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या बताओ गाइस, सच बोलो तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं, आज से नहीं 2 साल से ये यूट्यूब से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 साल बाद ये मेरा यूट्यूब पेमेंट मिला मुझे, तो बहुत पूरा मैं डिप्रेशन में चले गई थी। फिर आप लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे मेरा सपना पूरा हुआ। सो प्लीज़ मुझे आप लोगों के साथ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे ब्लॉगिंग में थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो प्लीज़ आप लोगों का सब रिक्वेस्ट है, मतलब कैसे बोलने से आप लोग मेरे रिक्वेस्ट पूरी करेंगे पता नहीं, लेकिन मुझसे जो हुआ प्लीज़, हाँ मुझे रिक्वेस्ट सपोर्ट कीजिए प्लीज़ गाइस। तो ये लोग देखो ट्यूशन पढ़ने के लिए आए, ट्यूशन ये दोनों, और मैं भी आ गया पापा के घर। ये हमारा अमरूद का पेड़ है, देखो पापा घर में नहीं है, बाजार गए। तो बहन है, ये बड़ी बहन, तो इसको ट्यूशन पढ़ाएंगे। ये हमारे छोटे बहन छठी।
गाइस देखो, मैं जब आप लोगों के साथ बात करते करते इधर आ रही थी ना, तब रास्ते में देखो क्या मिला मुझे। ये क्या है बोलो तो? ये है चांदी का लॉकेट, चांदी। अगर ये सोने का हो जाता ना तो मेरा तो लॉटरी लग जाता। सोने का होने से लॉटरी लग जाता, लेकिन चांदी का है। ये देखो। शिव जी है, शिव जी। ये देखो।